जी मैंने पूरी कोशिश की ये रात को उनके कमरे में ना सो सकूं। यहां तक कि मैंने उन्हें चेन भी दी और कहा कि मुझे घर के किसी भी कोने में बांध कर रख लीजिए, पर मैं उनके साथ नहीं सोऊंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और हाथ बांधकर खुद सो गए और मैं पूरी रात जागती रही। मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मम्मी जी, तू सवेरे सवेरे कितने चल दिया? दरअसल बाप, इन्हें आशीर्वाद दीजिए, नौकरी लग गई इनकी, काम पे पहला दिन। लो जी मैम, अब घर जमाई को क्या जरूरत पड़ी जॉब शॉप करने की? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन मैं इस घर की बहू जैसे तो नहीं हो सकती ना कि अपने पति को अपने पल्लू से बांध के उसे निकम्मा कर दूं। मामा, इस घर में कोई पनौती है क्या? कोई ऐसी तो मुंह बात ही नहीं करता। आप लोग प्लीज गलत मत समझिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग के रहते हुए मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ काम करूं। जिंदा रहो मेरे लफंडर। बहुत मुबारक भाई, बहुत मुबारक। सांप लौट रहा होगा सबके कलेजे पर, मेरे पति की नौकरी जो लग गई है। चलो जी अच्छा है, इस घर के दामाद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास तो हुआ, बस अब इस घर के बेटे को बहू आजाद कर दे तो वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बधाई हो चाची। सुनकर अच्छा तो लगा, अब इसी खुशी में मेरे और सौम्या के लिए चाय बना लो। क्या चाची, सुना नहीं आपने? देखो बातें बना ली, मुंह भी बना लिया, अब चाय बना लो। जाओ सौम्या बैठ। जी जी सुन रहे ना आप, बस यही रह गया अब इस घर में मेरे लिए कि मैं गुलाम के लिए चाय बनाऊं। ठोकरों से तो तू समझती नहीं, बादाम खाना शुरू कर, अकल ठिकाने आ जाएगी। ये सिर्फ हरमन की गुलाम है, इस घर की नहीं। अब जा, जाकर चाय बना ले। देखो जब आज तुम लोग काम पे जाओगी ना, और ये जो रवि मैंने कहा था ना आपसे कि अगर मैं इस समाज से नहीं लड़ पाई तो मैं अपने बच्चे को आपके पास वापस ले आऊंगी। आज मैं लड़ते लड़ते हार गई हूँ, मेरे बच्चे को अपने पास रख लीजिए, अब मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी इसके लिए। मेरा पति और ये समाज इसे मारना चाहता है, यह जैसे भी रहेगी जिंदा तो रहेगी। चमेली, इसे अंदर ले जा। जी।
मिनट, अपने ही समाज के साथ लड़ने की हिम्मत कब आएगी आप में? हमें देखो, हम आपके समाज के साथ लड़ रहे हैं। कभी आपके समाज से खुद को आजाद कराने के लिए, कभी आपके समाज में रहने के लिए, और कभी अपने अस्तित्व के लिए। आप अपने ही समाज से नहीं लड़ पा रही हैं? इतनी कमजोर क्यों हैं आप? अगर सच में आप में अपने समाज से लड़ने की हिम्मत नहीं है तो अपने समाज को आग लगा दीजिए, क्योंकि आपकी दुनिया किसी लायक नहीं है। ये तराना, लेकिन ये आपके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी तराना को मैंने पैसे देकर खरीद लिया। अगर अपने साथ रखना है तो तुम्हें दुनिया को बताना होगा कि ये तुम्हारा गुलाम, गुलाम है ये। मेरे लिए मेरी बच्ची ही मेरी दुनिया थी, जिसे मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। वीर जी, मैं की कह रहा कि मैं तो दस्या सी ना, कल टंडन ते सोडी आ रहे ने मीटिंग वास्ते, की कहंदे हो, आप चलोगे मीटिंग पे या मैं ही निपटा दूं? नहीं यार वीर ने, वो घर के माहौल थोड़ा जा गड़बड़ चल रहा है ना, मैं थोड़ा इतो फार्म ही नहीं आगा। ते तू कल आ मीटिंग? वाह भाई साहब, मेरे दिल की बात बोल दिया आपने तो। मत आओ, कल मैं आराम से 20-25% प्रॉफिट इधर से उधर कर ही दूंगा। ठीक है वीर जी, जैसा आपको। मामा, इस घर में सब लोग बनाती हैं क्या? कोई ऐसी तो मुंह बात ही नहीं करता। जिम्मेदार, और आप कभी भी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, और आप ये बात अच्छे से जानते हैं। बहुत गैर जिम्मेदार मानती हूँ ना मुझे, तो आज से मैं ऑफिस जाऊंगा, लेकिन अकेले नहीं गुलाब, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। इससे तुम्हें मेरी जिम्मेदारी का यकीन होगा, तुम्हें देखते रहने का सुकून। मैं फैक्ट्री जाऊंगा। कल की मीटिंग मैं करूंगा। हरमन, ये तो बहुत बढ़िया गल है, और तू जरूर चल हमारे साथ में। अब वैसे भी कल की मीटिंग बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं तो वीर जी वैसे ही चाहते हैं कि तू फैक्ट्री के कामों में हिस्सा ले, है हमारा हाथ बटाए। तू जरूर चल, है जरूर चल। वीरन, तमाशा देख अब तमाशा। वीरन, क्या हंसे जा रहे हो आप? हाँ, पागल हो गए हो क्या? जानते नहीं हो हरमन को, इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिला देगा, 2 मिनट नहीं लगेगी उसे। वीरन, वो चली होगी तू, ऐसा कुछ नहीं होना है। बहुत बोली है तू। हरमन सिंह को ना 2 कोड़ी की अकल नहीं है, ना बिजनेस की ना मीटिंग की। हो जाएगा ना मीटिंग से 2 मिनट में खत्म हो जानी। अच्छा, और हरक सिंह को हम बेशक नहीं होना। ये गल आपने बिल्कुल सही कही वीरन। और अगर प्रीतु मुंह खोलेगी तो उसे कह देंगे। और क्या करे, आप ही का बेटा गया था मीटिंग में, उसी से पूछिए, है ना? उन समझी है तू। वैसे सही कहता है छोटा रिचार्ज, ये घर ही बनौती है। यहाँ सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फैक्ट्री जाना है। मैं वहां जाकर क्या करूंगी? जितना कहा जाए उतना किया करो, तैयार हो जाओ। अब की बारी खुलेगा नहीं।
बताइए, मैं लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये काम मैं सिर्फ अपनी बीवी से करवाता हूँ। और तुम गुलाम, इसकी भी कीमत मांगने लग जाओ। पहनना ही नहीं मुझे जी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। बेटा इसको 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 अच्छा इसे खेलो, इसे खेलो, देखो कितना अच्छा लगा, देखो। अच्छा ठीक है, ये ले लो, ये ऐसे उड़ता है, इसको खिलाओगे? अच्छा ये पीलो, ये पीलो, ये पीलो। दीदी सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही है। तो फिर रोने दो उसे। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं, रोएगी तो खुद से लड़ना सीख जाएगी, खुद से लड़ना सीख जाएगी तो फिर दुनिया से लड़ना भी सीख ही जाएगी। अब किस किस के लिए लड़ते फिरेंगे हम? दीदी आपको ये हो क्या गया है? बेटी को चली थी उनके घर की रानी बनाने और बनके रह गई गुलाम और एक लाचार माँ। अब करे तो क्या करे? लाचार, सही कहा तुमने, लाचार हूं मैं। क्योंकि मैं लाचार हूं इसलिए मैं तराना को मजबूत बनाना चाहती हूं ताकि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। सोना तुम बैठो, चाची वो फाइल ले। उन्हें आना। क्या करेंगे? चुपचाप बैठी रहो। लेकिन मैंने कहा ना चुपचाप बैठी रहो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुरे तो चंगा है प्रीत, ये अपना हरमन फैक्ट्री जाना शुरू हो गया है। ये अच्छा, मतलब अच्छी निशानी है। वो फैक्ट्री काम करने नहीं, घर से दूर सौम्या के साथ वक्त बिताने गए। क्या सोचा होगा उसने? घर से दूर, वहां अकेले दोनों पास पास रहेंगे तो उनके बीच की दूरी जरूर कम होगी। जानू की लगता है अब की होगा ये तो मैंने नहीं पता, पर इतना जरूर पता है जो भी होगा इन दोनों के रिश्ते में बदलाव जरूर आएगा। सकाल मम्मी जी, मेरी मुना मम्मी जी। जिंदे रहो, जिंदे रहो। तो पैकिंग शैकिंग होगी? आल फंडर में तेरी और टिकट मेरे घर हो गई होनी है। गिड़गिड़ाने तो नहीं आई कि मैं तुझे और तेरे पति को मेरे इस घर से ना निकाल? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं ये कहने आई हूँ कि मैं और वरुण कहीं नहीं जा रहे। मैं चाहूं तो आपके इसी घर में, आपके सामने, आपके साथ, आपकी मर्जी के बिना रह सकती हूं और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। जानती है क्यों? क्योंकि आपकी कमजोरी, आपका हर हमारे साथ खड़ा हुआ।
और आप अकेली, बिल्कुल अकेली। वैसे ये बात तो आपको पता ही होगी कि आपकी और मेरी दुश्मनी के बीच में वरुण तो सिर्फ एक प्यादा है, नहीं? बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू भी। अरे छोड़िए वो सब, वैसे कहने तो मैं कुछ और आई थी, यहाँ पर मुबारकबाद देने आई थी आपको, आपकी और मेरी आमने सामने की दुश्मनी का पहला दिन मुबारकबाद।